बिद्रा नगर में डबले परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। चंद्रपुर शहर के सुमित्रा नगर इलाके में डबले परिवार की ओर से 6 से 12 नवंबर दौरान श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया है। 6 तारीख से देवता स्थापना और दीप पूजन से इस समारोह का प्रारंभ हुआ है। श्री क्षेत्र माहौर के भागवत कथाकार नीलेश जी केदार इनकी वाणी में यह ज्ञान यज्ञ समारोह हो रहा है। समारोह नाथ पंथीय सिद्ध योगी संत विलास नाथ की भी भक्ति में उपस्थिति है। कर्दम चरित्र, नरसिंह अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण जन्म, श्री कृष्ण लीला, रुक्मिणी स्वयंवर, तुलसी विवाह आदि के माध्यम से नीलेश केदार ने उपस्थित भाविकों को चरित्र की जानकारी साधक शैली में बताई है। 12 नवंबर को भक्त सुदामा चरित्र गोपाल काला महाप्रसाद से इस समारोह का समापन होगा। ताड़ोबा मार्ग पर स्थित सुमित्रा नगर के डबले परिवार ने आयोजित किए भागवत कथा समारोह के यह कुछ क्षण। तस्य चक्षुर्नहि यते, डोळ्याचा त्रास होत नाही असं पण सांगितलं, असे अनेक चरित्र सांगितलेले आहेत। आणि आता एक महान भगवत भक्त अंबरीश याचं चरित्र सांगताय। काल आपण सगळ्यांनी एकादशी केली असणार पक्क, ज्यांना प्रकृतीचा त्रास असेल त्यांनी नसेल केली, ठीक आहे। पण काल एकादशी होती सगळ्यांना माहिती आहे ना, प्रबोधिनी एकादशी। लोक म्हणतात त्या दिवशी देव उठतात, देव झोपतात कधी? देव उठतात म्हणजे देव झोपत नाही, आपण झोपतो देव जागे राहतात। तर प्रबोधिनी म्हणजे काय? सतत जागृत राहा, सावध राहा, प्रबोधिनी।